एब्सेस, बेसिकली एब्सेस प्रीडोन्शियम हम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि जो प्रीडोन्शियम है उसको जो किस किस टाइप की एब्सेसेस हो सकती है और हम किस तरह से उसको परसीव करेंगे, किस तरह से उसको हम ट्रीट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एब्सेस। एब्सेस होता क्या है? आई होप यू पीपल आर करंटली गोइंग थ्रू द सिस्ट ऑफ द जॉस, तो आप लोगों को सिस्ट की डेफिनेशन तो आती होगी। तो एब्सेस आप सेकेंड ईयर के अंदर पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करके आए होंगे, ठीक है। एब्सेस बेसिकली सिंपल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पास हो जाती है यहाँ पे ड्यू टू एन इन्फेक्शन, पुरोलेंट डिस्चार्ज इज अक्यूमुलेटेड, इस कैन सी रहेगा एब्सेस, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर स्पेशली इफ टॉक अबाउट पेरिडोन्शियम, यू कैन सी थ्री टाइप ऑफ एब्सेसेस, तीन तरह के एब्सेसेस देख सकते हैं। यू कैन सी द क्लिनिकल पिक्चर टू, इसके अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे राइट साइड मैंडिबल के लोअर सरफेस पे एक स्वेलिंग से दिख रही है आपको, सी लार्ज स्वेलिंग है एंड इट्स रेडनेस इन्फ्लेमेशन नजर आ रही है इसके अंदर, और हल्की सी एक एक स्किन में क्रस्ट से अपीयरेंस है, बेसिकली साइनस फॉर्मिंग होती है, ठीक है। ये क्लिनिकल पिक्चर हो सकती है। देन वी कैन सी कि जो स्वेलिंग है वो हार्ड है, स्टोनी हार्ड है, रबड़ी हार्ड है, और यू कैन से इट्स फ्लक्चुएंट। वो जब हम उसको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं विद टच सेंसेशन तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो टॉक अबाउट द एब्सेस ऑफ पेरिडोन्शियम, से देयर आर थ्री टाइप ऑफ एब्सेस। द वन इज योर जिंजाइवल एब्सेस, व्हिच बेसिकली एसोसिएट यू द जिंजाइवल टिश्यू और डेंटल टिश्यू। Then we have the periodontal abscess basically in which you can find the destruction of the periodontium. There is the destruction of the connective tissue, and you can also find the destruction of the alveolar bone in the periodontal abscess. Third one is your pericoronal abscess. You remembered about the pericoronitis. It's basically the inflammation of the surrounding tissue of an unerected crown. So, वहाँ पे जो inflammation होती है उसको बोलते हैं pericoronitis, and the inflammation persists and bacteria grow कर जाते हैं तो वहाँ पे पूर्ण डिस्चार्ज बन जाता है, ये abscess हो जाती है, इस टर्म एज अ pericoronal abscess. Usually you can find these kind of abscess around your molars, third molars, unerected molars के अराउंड आपको बहुत कमली नजर आती है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो तो प्लीज चैट के अंदर मुझे अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये एरिया जिसमें हम बात कर रहे थे, ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिडोन्टल टिश्यूज and the patient which have untreated periodontitis or moderate to periodontal pockets, moderate to deep periodontal pocket basically, ठीक है। obviously inflammation persist करेगी तो ये चीज बढ़ेगी, अगर patient तो उसको periodontal problem है और उसे treatment provide नहीं की जा रही तो उसमें eventually inflammation बढ़ेगी, infection बढ़ेगा, pulmonary discharge formation start हो जाएगी और eventually it will lead to periodontal abscess, okay, and there are certain conditions in which we can say the predisposing factors or risk factors for the periodontal abscess, like diabetes mellitus control hai, control nahi hai, to uske andar periodontal abscess ke chances badh jate hain, or there are certain conditions in which the abscess is not associated with your periodontitis basically, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे पेशेंट आपके पास आता है, उसका डॉक्टर साहब ही वांट टू स्केलिंग, आपने उसके दांतों की सफाई कर दी, स्केलिंग कर दी और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट
कैरेक्टर्स के चंक्स जो थे वो पॉकेट से एलिमिनेट नहीं हुए. एंड दिस कैन बी हैपन इन केसेस लाइक जैसे मैनुअल स्केलिंग करते हैं. मैनुअल स्केलिंग के अंदर होता क्या है कि आप उस पॉकेट पर लवाज नहीं कर सकते. ठीक है, लवाज करने के लिए आपको तो 2% जो एयर है उसको यूज़ करना पड़ेगा, या सिरिंज जो होती हैं उससे आप पॉकेट को वॉश करें. तो उस केसेस के अंदर क्या होता है, जब कैटल्स के चंक्स होते हैं वो कभी कभी टूट के पॉकेट के अंदर ही एम्बेडेड आते हैं एंड दे एक्ट एज अ फॉरन बॉडी. फॉरन बॉडी के रिस्पॉन्स में आपका वहाँ पे एफ्सेस डेवलप हो सकती है. सेम इन द केसेस जो फूड पार्टिकल होते हैं वो स्टक हो जाते हैं अभी सल्कस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल द पॉपकॉर्न्स, मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा लो, उसकी शेल्स बेसिकली सल्कस में आगे स्टक हो जाते हैं और वो अगर वो नहीं निकल पाए तो इट विल लीड टू द पेरिओडोंटल एब्सेस. ठीक है, तो दे आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच बेसिकली अ नॉन पेरिओडोंटाइटिस कंडीशन ऑफ अ पेरिओडोंटल एब्सेस हो सकती है. तो यहाँ तक चीजें क्लियर है? पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई कैन सी 38 स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है एंड आई नो 8 होंगे जो लेक्चर सुन रहे होंगे, बाकी तो सब ओढ़ के बाहर का नजारा एंजॉय कर रहे होंगे, मौसम एंजॉय कर रहे होंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो ये आर सर्टेन पिक्चर्स आप देख सकते हैं. And you could find the periodontal abscess and the gingival abscess in these pictures. Okay, this is the top most left side of the picture. आप देख सकते हैं वहाँ पे subgingival calculus की deposition नजर आ रही है. You can see there is a swelling on the gingival tissue. ठीक है, इस केस के अंदर मोस्ट लाइकली आपको periodontal abscess मिलेगी. ठीक है, क्योंकि periodontal subgingival calculus मौजूद है और वहाँ पे attachment loss नजर आ रही है आपको. ठीक है, और जो टॉप राइट पर पिक्चर आ रही है यहाँ पे आपको एरो शो दिख रहा है किस तरह की स्वेलिंग मिलेगी आपको. यू सी अ लार्ज फ्लक्चुएंट वाइट रिलेटेड स्वेलिंग्स इन योर सॉफ्ट टिश्यूज. ठीक है, और नीचे को पिक्चर आप देख सकते हैं स्वेलिंग दिख रही है और स्वेलिंग के अंदर प्रोब डाल के उन्होंने एक्सरे लिया तो यू कैन सी द एक्सटेंट ऑफ दैट स्वेलिंग. की स्वेलिंग कहाँ तक जा रही है, कितनी डीप जा रही है. ठीक है, although you can see the swelling is mostly associated with the gingival margin. Gingival margin ke kareeb hai, theek hai, but jab aap usko probe karke x-ray apne liya to nazar aaya is almost reaches to this apical tissue. Theek hai, apices tak pahunch chuki hai. So you have to basically rule out ye gingival abscess hai ya periodontal abscess. Theek hai, gingival abscess is basically associated, you're most commonly associated with your gingiva. आपकी जो marginal gingiva है, आपका जो interdental gingiva है, उससे associated करी. ठीक है, deep pockets उसके अंदर आपको नहीं मिलती. ठीक है, soft tissues gingiva होती हैं ऊपर, popcorn का shell फंस गया, food particle फंस गया, bristles brush करते हुए bristles लग गया बहुत जोर से, एक swelling develop हो गई. ठीक है, इसे और gingival abscess. ठीक है, in the periodontal abscess you can find the pocket, you can find the deep pockets. ठीक है, again the deep pockets, तो ये आपको top deep pockets में सर्थी है, तो आप probe करके check करें. ठीक है, you can differentiate कि ये periodontal abscess है या gingival abscess है. differentiate करना जरूरी है. ठीक है, because you need to formulate the diagnosis. जब तक आप proper diagnosis नहीं करेंगे किसी चीज की तो आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आप सही डायग्नोस कर लेते हैं तो कहते हैं 60% डिजीज आपने ट्रीट कर दिए. गलत होगी तो ट्रीटमेंट आपको इवेंचुअली फेल हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको पता है कि ये फॉर इंस्टेंस जिंजाइवल एब्सेस है, आपको पता है कि इसके जो सुपरफिशियल कॉज है पॉकेट के एलिमिनेशन में जो सल्कस के अंदर जो पार्टिकल वगैरह उसको रिमूव कर दें, एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन स्वाइप करें, इट विल डिसॉल्व. ठीक है, बट इफ यू कैन सी कि ये पेरिओडोंटल पॉकेट है तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको पेरिओडोंटल पॉकेट को एलिमिनेट करना होगा. तो पेरिओडोंटल पॉकेट एलिमिनेट कर पाएंगे तो ही इवेंचुअली पेरिओडोंटल एब्सेस रिजॉल्व होगी. वहाँ ऐसा नहीं है कि आप एब्सेस के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, आपने फॉरेन बॉडी फंसी है उसको निकल दिया और आपने पॉकेट को ऐसे छोड़ दिया. यू कैन सी मैंने पहले डिस्कस किया था अनट्रीटेड पेरिओडोंटल पॉकेट विल लीड टू योर पेरिओडोंटल एब्सेस. ठीक है, तो वहाँ पर पॉकेट एलिमिनेशन बहुत जरूरी है. पॉकेट एलिमिनेशन के लिए आपको पता होगा पॉकेट डेप्थ कितनी है, पॉकेट डेप आपको पता होगा तो आप ये कर सकते हैं कि इसको हम इधर सर्जिकली और नॉन सर्जिकली ट्रीट करें. ओके, सो द जिंजाइवल एब्सेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड.
It's basically involved in mitral gingiva and the internal tissues, and it may arise due to microbial plaque trauma and foreign body impacts. Here are some typical examples of the gingival abscess. You see, internal area can the swelling here, and the swelling is closely related to the crown of the tooth. Crown ke kareeb maujood hai, gingival margin mein maujood hai. So mostly the periapical abscess ya periodontal abscess hoti hai, wo close to apices hoti hai. Mostly, maine kaha theek hai, har baar nahi hoti. But usually वो close to pisces होती हैं, which will indicate a problem is lie beneath कोई deep pocket से pisces के around जो problem है, ठीक है? Because the periformal abscess, formation of soft tissue, usually ओक्युलम वहाँ मौजूद होता है, उसके नीचे bacteria या food particle फंस जाते हैं, वहाँ फंसने के बाद जो है वो वहाँ पे bacterial growth increase होती है, environment change from aerobic to anaerobic. And then eventually lead to formation of the pus. Okay? And usually associated with the third molar. Here are a typical example. You can see the third molar is usually impacted. Oh, it's around the pocket. Hoti hai. Wahan pe jo food particles, bacterial plaque retention start. Hoti hai. Eventually, it will lead to your peri. कोरोनल एब्सेस, ठीक है? सो वेरी कॉमन, बहुत लोग मिलेंगे आपको इस कंप्लेन लेके आते हैं. कंप्लेन लेके अगर पेशेंट की थोड़ा सा बाइट करता हूँ तो पेन होता है. यू कैन सी जब आप पेशेंट बाइट करता है तो ऑब्वियस सेकंड मोलर है, उसका अपोजिंग मोलर जो आके बाइट करता है तो वो सॉफ्ट टिश्यू पे पिंच करता है. तो पेशेंट कंप्लेन करता है थोड़ा सा अनएबल टू बाइट, च्यू नहीं कर सकता. जैसे बाइट करता हूँ तो पेन होता है, दांत से नाथ नाता हूँ तो पेन होता है. And you can see these things in his mouth. Yeah, okay, enlarged swelling. Okay. And the leave required to treat non surgically. The abscess treated a swelling come over. And eventually, we plan to remove the impacted tooth. Okay. Otherwise, the cycle ban jati hai aur yahan pe recurrence infection hota rehta hai. Okay. Infection ek baar hoga, treat jayega medicine se ya body usko self limit kar degi. After a certain period of time, दोबारा infection होता है, फिर इसकी intensity बढ़ जाती है. At that time, patient requires medications, antibiotics, resolve हो जाता है. Again, फिर recurrence infection होगा तो उसकी intensity further बढ़ जाएगी. The patient complain करेगा डॉक्टर साहब मुंह नहीं खुलता, दर्द बहुत होता है, सूजन बढ़ गई है. So externally you can find a swelling, आपको चेहरे पर नजर आएगा कि swelling हो गई है, ठीक है? तो उस चीज को ट्रीट करना जरूरी है. अक्सर होता है कि एब्सेस होती है, लोग एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करके पेशेंट को फील कर देते हैं, या पेशेंट इटसेल्फ फील कंफर्टेबल कि भाई स्वेलिंग कम हो गई है वो छोड़ देता है. ऐसा नहीं है, पेशेंट को हमेशा गाइड करें कि उसको हटाना जरूरी है. अगर इम्पेक्टेड टूथ की वजह से पेरोनाइटिस और पेरिकोरोनल एब्सेस हो रही है तो उसको हमें ट्रीट करना जरूरी है. एंड वी नीड टू रिमूव द ऑफेंडिंग टूथ, उस टूथ को हम निकाल दें ताकि वहां पे हीलिंग प्रमोट हो, ठीक है? और रिटेंटिव फैक्टर है माइक्रोबियल प्लाक वगैरह वो वहां पर आ सके. ओके, यहां तक कोई सवाल रिगार्डिंग द जिंजाइवल एब्सेस, द पेरिओडोंटल एब्सेस, द पेरिकोरोनल एब्सेस, कौन कहां होती है, किस साइड पर होती है, किस तरह से आप जिंजाइवल एब्सेस को डिफरेंशिएट करते हैं विद योर पेरिओडोंटल एब्सेस, यहाँ तक चीजें कह रहे हैं. नहीं है तो बताएं, मैं रिपीट कर दूं. वी कैन मूव फॉरवर्ड. पेरिकोरोनल एब्सेस के अंदर इफ इट्स अ साइकिल, अगर साइकिल बन जाती है इज बेटर टू रिमूव द टूथ, ठीक. इसकी फॉर एग्जाम्पल केस आप देख रहे हैं, ठीक है? इस केस हम देखिए विजडम है वो उसका खाली जो है वो एक कस्प नजर आ रहा है, ठीक है? आपके पूरा टूथ जो है वो कवर्ड है. सो इस टूथ को आप ट्रीट करते हैं मेडिकेशन से, स्केलिंग वगैरह करके इसके पॉकेट को क्लीन कर देते हैं, वो एंटीबायोटिक्स वगैरह देके इसको सबसाइड कर देते हैं. बट इवेंचुअली वो कॉज मौजूद है, बताप वहां मौजूद है इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हफ्ते महीना साल के बाद दोबारा किसी वजह से पेशेंट अपनी हाइजीन को निगलेक्ट करेगा, वहां पे दोबारा से इसकी स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी, तो इन्फेक्शन
रिकरेंस होगा, तो यहाँ पे रिकरेंस इन्फेक्शन होता है, तो इसलिए एडवाइस करते हैं कि वहां पर ऑफेंडेंट टूथ को निकाल दे। ठीक है, तो यस इफ देयर इज अ साइकिल तो वहां पे इस दांत को निकाल सकते हैं। पेरिटोनाइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, मतलब आपको पेरिकोनल जो सॉफ्ट टिश्यू उसमें आपको इन्फ्लेमेशन दिखेगी। एंड व्हेन देयर इज एब्सेस यू कैन सी कि वहां पे एक एनलार्जमेंट नजर आएगी। ठीक है, यू कैन फाइंड द प्रूरेंट सॉफ्ट एडिमेटस स्वेलिंग। आप फिंगर्स उसको पेल्पेट करें, आपको नजर आएगा कि आप बोलते हैं ना उर्दू में कि मवाद भरा हुआ, कोई सूजन भरी हुई, कोई स्वेलिंग भरी हुई, वो नजर आएगा आपको। और जो पेशेंट की कंप्लेंट नजर आएगी, पेन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बताती हूँ। स्वेलिंग के अंदर यूज पेशेंट की मौत होनी भी लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, पेरिकोनाइटिस के अंदर बेसिकली आपको पे सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन दिखेगी। इन केस ऑफ ऑपरकुलम, अगर ऑपरकुलम होगा तो वहां पे वो आपको थोड़ा सा एनलार्ज, वो थोड़ा आपको फूला हुआ मिल सकता है। ऑपरकुलम स्वेलिंग इसलिए मिल सकती है कि वो कंटिन्यूसली बाइटिंग फोर्स के अंदर आ रहा होता है, तो उसकी वजह से वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, तो आपको वो चीज मिल सकती है वहां पे। ठीक है, मतलब इस तरह की स्वेलिंग नहीं मिलेगी जितनी स्वेलिंग, जो ड्रास्टिक स्वेलिंग आपको यहाँ दिखे है आपको वैसे नहीं मिलेगी। सो यू कैन डिफ्रेंशिएट, ठीक है, आपको ऑपरकुलम दिख रहा है। ठीक है, यू कैन सी कोई स्वेलिंग नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब जो मी सरफेस से तो पूरा एडप्ट हो गया, लेकिन डिस्टली सॉफ्ट टिश्यू मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉकेट बन जाती है, यहाँ पे फूड पार्टिकल फंसते रहते हैं, ये ऑपरकुलम बन जाता है। ठीक है, और ये ऑपरकुलम रहेगा, आप उसको कट कर देते हैं, अक्सर ये रिकरेंस हो जाती है इस चंद। ठीक है, जब रिकरेंस ऑपरकुलम की जाती है तो वहाँ पे फूड इंफेक्शन भी रिकरेंस होती है। वो पेशेंट कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब ये आपने ट्रीट किया था मेडिसिन से ऑपरकुलम कट करके, लेकिन ये रिकरेंस हो गया, अब ये दोबारा से बड़ा ऑक्सीजन भी आती है। ठीक है, इसका मतलब साइकिल बनती जा रही है। मैंने ये फील किया, एक साइकिल बनना स्टार्ट गया, तो उसको आप वहाँ से खुद को रिमूव कर दें स्वेटर। Alright, then we have the terms acute versus chronic abscess. Okay, acute endovitis and chronic endovitis. Then you have the acute chronic abscess. Okay, आप लोग acute और chronic अच्छे खासे familiar हैं, इसको बहुत ज़्यादा हम detail में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, acute टर्न onset होती है, painful होता है। ठीक है, और for example suddenly bacterial एब्सेसेस होती हैं वो पॉकेट की वजह से होती है, पेरिनोटल पॉकेट के अंदर एब्सेस डेवलप हुई। इन सर्टेन केसेस पेरिनोटल एब्सेस इज ड्रेन्ड थ्रू पॉकेट, जो आपके पॉकेट जो रास्ता है, जो प्रोविन टाइप की बनी हुई है आपकी, तो पॉकेट के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है और स्वेलिंग डेवलप नहीं हो पाती। सर्टेन ऐसा होता है कि पॉकेट के अंदर कैल्कुलस की वजह से वो पॉकेट बेसिकली ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ जो एब्सेस डेवलप होती है तो वो भी एक्यूट एब्सेस कॉज कर सकती है। ठीक है, so how can you differentiate between the chronic and acute abscess? In acute abscess you can find mild to severe discomfort. Okay, patient complaint leke aata hai ki bahut zyada dard hai. Okay, we can find localized red white swelling. Okay, inflammation zyada hai, sudden inflammation, to redness mein aapko swelling milegi, wahan pe aapko peritoneal pocket milegi aapko. ठीक है, टूथ मोबिलिटी में से मतलब ये है कि पेशेंट एब्सेस अक्सर पेशेंट फील करता है कि उसका दांत जो है वो सॉकेट से थोड़ा बाहर आ गया है। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब बाइट करता हूँ बस लगता है कि दांत टकरा रहा है, पहले से नहीं था लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि जब बाइट करता हूँ तो ये दांत पहले से टकराना रहता है। उसको दांत जो है वो बेसिकली एलिवेट आता है, बिकॉज ऑफ पेरिओडोंटिटिस, पेरिओडोंशियम में से हो जाती है, तो दांत थोड़ा सा मिलीमीटर्स के अंदर दांत अपने सॉकेट से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, तो इस वजह से वहाँ पे प्रीमैच्योर कॉन्टैक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। फाइंड द टोटल एलिवेशन टेंडरनेस
First formation exudate and in case agar acute inflammation bahut zyada hai aur system ki involvement start ho rahi hai then you can find the fever lymphadenopathy theek hai to acute abscess ke andar vaise ki cellulitis lymphadenopathy fever ye sab cheeze mil sakti hai aapko on the other hand chronic abscess say there are no or dull pain ye pain ki intensity bahut kam hogi pain on biting ho sakta hai फिंगर से जब पेशेंट चेक करेगा तब हो सकता है एक अनइवन सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मसूड़ों में खारिश सी होती है और एक अजीब सी ना खिंचाव सा होता है ठीक है कोई सीवियर पेन पेशेंट नहीं करेगा ठीक है कुछ एलिवेशन नहीं होगी इसके अंदर ठीक है क्रॉनिक एब्सेस है वो स्लो ऑनसेट है थोड़ी सी बनती है तो अपने सॉकेट के अंदर मेंटेन रहता है कभी बस हो जाती है कभी कभी खत्म हो जाती है ठीक है तो पेशेंट ये होता है डॉक्टर साहब बस कोई और वो जो है खत्म हो गई खत्म क्यों हो गई बिकॉज ड्यू टू एनी सर्टेन रीजन बस बेसिकली ब्रेन हो गई तो खत्म हो गई ठीक है तो पेशेंट कंप्लेन करता है पॉकेट ठीक है और जो साइनस ट्रैक बनेगा बेसिकली जहाँ से पास ब्रेन होती है तो वो ट्रैक बेसिकली एसोसिएट करेगा विद योर पेरिटोनियल पॉकेट तो आप उस फिस्टुला के अंदर एनेस्थीसिया लगा के एक जीपी डालें और जीपी डालने के बाद उसका एक एक्सरे लें लेकिन ट्रेस बैक के सोर्स ऑफ बस कहाँ से ठीक है तो ये चीज आपको पल्मोनरी एब्सेस और पेरिटोनियल एब्सेस में बड़ी हेल्प आउट करती है ठीक है अक्सर पेशेंट कंप्लेन लेके आता है आपको समझ नहीं आता कि ये जो एब्सेस है इज बिकॉज ऑफ पेरिटोनियम है या ये एंडोडोंटिक प्रॉब्लम हुई है उस वजह से हो रही है तो सिंपल साइनस ट्रैक जो बना हुआ है या कभी कभी होता है आपको टूथ नंबर समझ नहीं आता है तो उससे एसोसिएट कर रही है एक्सरे आपको उतना हेल्प आउट नहीं कर पा रहा तो साइनस ट्रैक है उसमें आप जीपी डालें और एक्सरे लेके देख तो जीपी उस पूरे साइनस ट्रैक को ट्रेस कर लेगा कि वो कहाँ से बस फॉर्मेशन हो रही है और यू कैन आइडेंटिफाई कौन सा टूथ है जो के कल्प्रेट है सो आफ्टर द एक्यूट एंड क्रॉनिक एब्सेस वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द पेरिटोनियल वर्सेस पल्पल एब्सेस सबसे ज्यादा कॉमन आप केसेस इन दोनों के मिलेंगे ठीक है और यहाँ अगर अगर डायग्नोसिस कर दी तो बेकार है ठीक है कोई फायदा नहीं आपका डेंटल ये बहुत कॉमन चीज़ है पेशेंट अक्सर ही कंप्लेन लेके आएगा दोनों कंडीशन एक्यूट हैं दोनों में दर्द है दोनों में पेनफुल है पेशेंट आपके पास मौजूद है तो इट्स योर जॉब कि आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे इधर इस पेरिटोनियल और कल्पलेप्सिस ठीक है जो अगर सही डायग्नोसिस होगी तो सही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अदरवाइज पेशेंट जो है वो दर्द के अंदर रहेगा और इवेंचुअली तो किसी और जगह किसी और इंस्टीट्यूट किसी और क्लिनिक चले जाएगा एंड यू लॉस द पेशेंट एंड यू लॉस द ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट ठीक है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप अच्छे से देखें और ट्रीट करें बिकॉज इस काइंड ऑफ एमरजेंसी बहुत पेनफुल कंडीशन आपके पास आता है ठीक है उसको डिले नहीं कर सकते ओके कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द पेरिटोनियल एब्सेस एंड पल्पल एब्सेस फर्स्ट वी कम टू द पेरिटोनियल एब्सेस पेरिटोनियल एब्सेस बेसिकली एसोसिएट करती है विद एनोडल पॉकेट के साथ ऑब्वियसली जब पेरिटोनियम में कोई प्रॉब्लम हुई तो पेरिटोनियल पॉकेट फॉर्म हुई है पेरिटोनियल पॉकेट को ट्रीट नहीं किया लॉन्ग टर्म पेरिटोनियल पॉकेट रही है तो वहां पे फिर वो इवेंचुअली पेरिटोनियल एब्सेस फॉर्म होगी तो वहां जब आप प्रोबिंग करेंगे यू कैन फाइंड द पॉकेट ऑन द मल्टीपल साइड्स ठीक है सिक्स पॉइंट पॉकेटिंग करते ना सेंटर से पेनिट्रेट करें मीजल पे आए सेंटर से पेनिट्रेट करें इंटेस्टल पे आए तो वो वॉकिंग मोशन से आप प्रोबिंग करेंगे तो यू कैन फाइंड द पेरिटोनियल पॉकेट द डीप पॉकेट्स इन द मल्टीपल साइड्स ऑन द अदर हैंड पल्पल एब्सेस होता है तो वहाँ पे आप पॉकेट नहीं मिलती यूजली पॉकेट वहाँ पे नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे टूथ की वजह से ऑफेंडिंग टूथ है उसके अंदर प्रॉब्लम है उसके पेरिटोनियम में प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे आपको पॉकेट नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस Antennas के वहां से साइनस डिस्चार्ज हो रहा हो थ्रू सल्कस ठीक मेरा कहने का मतलब ये है पेरिटोनियल एब्सेस जो है उसके अंदर तो आप जब पॉकेटिंग करेंगे तो आपको मल्टीपल साइड से पॉकेट मिलेगी यू कैन सी कि भाई आप पॉकेटिंग मौजूद है मोर देन वन साइड इट्स मोस्ट लाइकली द पेरिटोनियल एब्सेस ऑन द अदर हैंड पल्पल एब्सेस टू पॉकेट करेंगे तो वहाँ आपको प्रूव नहीं जाएगा नॉर्मल सल्कस डेप्थ आपको मिलना स्टार्ट होगी मे बी एक पॉइंट पे आपको सिंगल पॉइंट पे जहाँ से पस डिस्चार्ज हो रही है वहाँ पे आपको डीप पॉकेट मिल सकती है लेकिन वो आइसोलेटेड सिंगल पॉकेट होगी ठीक है वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा खाली जहाँ से आपका प्रूव पेनिट्रेट करेगा उसी साइड से पस आ रही होगी
ये एक करेक्टरिस्टिक साइन है जो इंडिकेट करता है कि ये आपकी पल्पल एब्सेस है। ठीक है, बेसिकली जो सवाल आता है, पेशेंट आया उसकी स्वेलिंग है नियर टू द पाइसिस, ठीक है, और एक्सरे नहीं है आपके पास, आप एक्सरे नहीं दे सकते, ठीक है, और क्लिनिकली आप उसको डायग्नोस कर रहे हैं और आपने उसकी मॉनिटरिंग करी है, तो यू कैन फाइंड अ सिंगल आइसोलेटेड पॉकेट थ्रू विच पस इज स्टार्टिंग। वो सिंगल आइसोलेटेड पॉकेट है जहाँ से पस डिस्चार्ज हो रही है, तो इवेंचुअली इट विल गाइड यू कि ये आपकी पल्पल एब्सिस है। ऑलराइट, पेरोनटल एब्सिस की बात कर रहे हैं, यू कैन सी द एंगुलर बोन लॉस एंड फ्रक्चुरेशन इन्वॉल्वमेंट एविडेंट होगी। ठीक है, ऑब्वियसली जब पेरोनटल पॉकेट इन्वॉल्व हुई है तो वहाँ आपको पेरिडोनसिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोन लॉस नजर आएगा आपके अंदर। जैसे प्रीवियस पेपर के अंदर हमने देखा था कि हमने प्रोब डाला था, यू कैन सी वहाँ पे आपका एंगुलर बोन लॉस था, फ्रक्चुरेशन पे भी बोन लॉस मिलना स्टार्ट होगा आपको। टूथ वाइटेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब टूथ वाइटेलिटी चेक करेंगे तो पेरिडोनटल एब्सिस के अंदर नॉर्मली टूथ इज वाइटल। ठीक है, आपकी पेरिडोनशियम में गड़बड़ है, आपका टूथ सही है, आपके टूथ का वाइटल हो पाएगा। वाइटेलिटी टेस्ट करें, हॉट टेस्ट करें, कोल्ड टेस्ट करें, इलेक्ट्रिक टेस्ट करें, सब चीज़ें आपके पॉजिटिव आएंगे, इसमें नजर आएगा आपका टूथ जो है वो वाइटल है। ऑन द अदर हैंड पेरिकोरोनल एब्सिस होती है, पेरिकोरोनल एब्सिस की कॉज है, पेरिकोरोनल एब्सिस के अंदर होता क्या है कि आपके दांत में कैविटी हुई और टूथ की जो पल्प है वो डैमेज हो गई, इसी वजह से फ्रैक्चर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, और जब पल्प डैमेज हो गई तो पल्प अंडरगो निक्रोसिस, जब पल्प निक्रोसिस स्टार्ट होती है तो वहाँ पर फिर एब्सिस बनना स्टार्ट हुई, वो एब्सिस बेसिकली जो एपेक्स है टूथ का वहाँ से होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस केस के अंदर जब पल्प निक्रोसिस हो गई तो आपको वाइटैलिटी नेगेटिव मिलेगी, तो आप टूथ को चेक करेंगे वाइटैलिटी के लिए तो डैमेज है, निक्रोज है, डेड है, यू कैन सी द नेगेटिव वाइटैलिटी टेस्ट। देखिए आपको बड़ा इंपॉर्टेंट साइन क्लिक कर देगा कि आप ये पल्पल एब्सेस है, इस पे बेसिकली आते हैं पेशेंट आया है तो नंबर 4 6 पे स्वेलिंग है, मोबिलिटी का टेंडर प्रोकेशन है, दांत थोड़ा एलिवेटेड है। ठीक है, एक्सरे के अंदर आपको नजर आ रहा है कि वहाँ पे सराउंडिंग एरियाज के अंदर बोन लॉस है, एंगुलर बोन लॉस दिख रहा है आपको। ठीक है, और जब वाइटेलिटी चेक करते हैं, वाइटेलिटी चेक करने पर वाइटेलिटी नेगेटिव है, इट्स मीन कि वहाँ पे पेरिडोनटल एब्सिस के साथ साथ पल्पल एब्सिस भी मौजूद है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान चेंज जा रहा है, कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पल्पल एब्सिस के अंदर वाइटेलिटी नेगेटिव है। ठीक है, स्वेलिंग की बात करते हैं, स्वेलिंग यूजुअली इंक्लूड इन डेवल टिश्यू सिस्ट विद फिस्टुला, स्वेलिंग लोकलाइज टू अपेक्स, बेसिकली पेरिडोनटल एब्सिस के अंदर भी स्वेलिंग लोकलाइज हो सकती है अराउंड द अपेक्स। ठीक है, बट पेरिडोनटल एब्सिस तो उसके अंदर यूजली अपेक्स के अराउंड ही होती है। पेरिडोनटल एब्सिस के अंदर पेन होगा, ठीक है, और जो पेरिएपिकल एब्सिस उसमें पेन होगा, लेकिन पेरिएपिकल एब्सिस का जो पेन है या पल्प एब्सिस का जो पेन है वो ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग और ज़्यादा सीवियर होता है कंपेयर टू योर पेरिडोनटल एब्सिस। ठीक है, यू कैन फाइंड पॉजिटिव टेंडर टू प्रोग्रेशन ऑन द पल्प एब्सिस। ठीक है, आप टच करेंगे पेशेंट बोलेगा थोड़ा सा बहुत दर्द। ठीक है, आप फिंगर से टच करेंगे पेशेंट बोलेगा सर बहुत दर्द। पेरिएपिकल एब्सिस के अंदर कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि सर दर्द है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, पेरिएबल है। ठीक है, तो सीवियर पेन मिलेगा आपको पल्पल एब्सिस के अंदर, टूथ जो है वो उसकी वाइटेलिटी नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, कोई नॉटल पॉकेट्स यूजली नहीं मिलेंगी आपको, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बिहाफ पे यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पेरिपिकल एंड पल्पल एब्सिस एंड देन कम्स रेडियोग्राफ जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये पल्पल एब्सिस है या पेरिडोनटल एब्सिस है। ऑलराइट, ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या क्या हो सकती है इसके अंदर भी एब्सेस होगी तो हम दो फेज के अंदर ट्रीट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि पेशेंट के जो एक्यूट सिम्टम है उसको रिजॉल्व करें। एक्यूट सिम्टम में क्या है, स्वेलिंग है, पेन है, दर्द है, तकलीफ हो रही है, सबसे पहले आपको वो काम स्टार्ट करना है जैसे पेशेंट का पेन एलिवेट हो जाए। ठीक है, बाकी जो एब्सेस की कॉज है उसको हम विद टाइम ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट की सबसे पहली कंप्लेंट क्या लिखे आपको, थोड़ा सा दर्द बहुत हो रहा है, तकलीफ बहुत है, सबसे पहले तो हमने काम करना है उसको आपको पेन एलिमिनेट करना है। आपने पेन एलिमिनेट कर दिया तो पेशेंट जो है वो फिर आपका मरीज बन जाएगा। ठीक है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, माशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल गोना बी डेंटिस्ट इन कमिंग ईयर्स। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये वो किस्मत के अलावा क्लिनिकल पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं है पेशेंट आ गया तो आप वो खोल कर रहे हैं कि नहीं यार पहले ये डॉक्टर ने कहा था कि ये करेंगे वो करेंगे, तो कोशिश सबसे पहले करनी चाहिए कि पेशेंट का पेन एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, पेन एलिमिनेट हो जाएगा उसका भी आप अच्छा हो जाएगा कि भाई ये डॉक्टर अच्छा है, ये सही बंदा है। ठीक है, एक पेशेंट 10 पेशेंट लेके आएगा और एक पेशेंट का नाम खराब तो 10 पेशेंट या 100 पेशेंट भगा देगा आपके। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करना है, अपनी चीज़ों को एनहांस करना है, तो अपनी डायग्नोसिस बिल्कुल सही रखनी है। डायग्नोसिस आपकी सही होगी तो आपका ट्रीटमेंट प्लान भी इफेक्टिव होगा, और ट्रीटमेंट प्लान इफेक्टिव होगा तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इंटरलिंक करती हैं। तो आपको पहले पेशेंट को डायग्नोस करना आना चाहिए और फिर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम एक्यूट एब्सेस पेशेंट का आता है हमारे पास, तो अगेन बात है सबसे पहले हम इसका पेन एलिवेट कर दें और सिस्टमैटिक इन्फेक्शन को कंट्रोल कर दें ताकि चीजें स्टार्ट ना हो पेशेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इज योर मेडिकल हिस्ट्री, जो डिस्कस्ड कि भाई कि किस वजह से हुआ, इसलिए हिस्ट्री की बात रही कि कॉज क्या है। ठीक है ना, एब्सेस क्यों हुई है, किस तरह से हुई है, कोई कोमोर्बिडिटी है, डायबिटीज है, कंट्रोल है, अनकंट्रोल है, ठीक है, कोई ब्रिस्टल ट्रॉमा हुआ है, खाते हुए कुछ फंस गया पेशेंट के, ऐसा भी होता है पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब मैंने कल एक चीज खाई थी इतना दांतों में फंस गई अब सूखे ना गई है। ठीक है ना, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको कल उसने क्या खाया था और क्या फंसा था। ठीक है, जो स्पाइसेस होते हैं उसके शेल्स होते हैं अक्सर वो फंस जाते हैं दांतों के बीच में, उसकी वजह से भी हो सकती है। ठीक है, वो पेशेंट यूजली अगर टूथपिक यूज कर रहा होता है तो वो उसको रिमूव नहीं कर पाता, एलिमेंटली वो कंस्टेंट एक प्रेशर एक इंसल्ट होते 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 वहां पे स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। सो इफ यू फाइंड ये पेरिओडोंटल पॉकेट है तो वहाँ पहले हम कोशिश करते हैं कि हम जो पेरिओडोंटल पॉकेट है वहीं से पस को ड्रेन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं आपके तो क्या अराउंड एरिया जो है उसको वहाँ पे एनेस्थीजिया लगाते हैं। ठीक है, टॉपिकल एनेस्थीजिया लगाते हैं, उसके बाद आपको इन्फिल्ट्रेट करना है, उस जगह को नम कर दें। ठीक है, और पॉकेट वॉल के अंदर जो प्रोब डाल के उस पॉकेट वॉल को थोड़ा सा पुल करें, खींचें, रिट्रैक्ट करें। रिट्रैक्ट करने के बाद फिंगर से थंब से एपेक्स से टूवर्ड्स द जिंजिवा हल्की सी डेंटल प्रेशर लगाना स्टार्ट करें, जो पस जमा है वो हल्की हल्की ऊज आउट होकर पॉकेट से बाहर निकल जाए। और जगह को प्रॉपरली क्लीन कर दें, फ्लश कर दें, साफ कर दें। अगर कंडीशन फीजिबल है, कंडीशन अच्छी है, पेशेंट भी कर सकता है, कंफर्टेबल है, आप भी कंफर्टेबल हैं, तो आप वहाँ उसी वक्त उसकी स्केलिंग और प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, तो जो कॉज है उसको रिमूव कर दें। ठीक है, चीज़ रिमूव कर दें, वो चीज़ क्लीन कर दें, मेडिकेशन स्टार्ट कर दें, तो इवेंचुअली पेशेंट विल गेट बेटर। ठीक है, आपको लगता है कि लीज बहुत बड़ा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, पॉकेट बहुत डीप है, तो फिर एंटीबायोटिक्स देने के बाद, मेडिकेशन देने के बाद उसको रिकॉल करके उसको आप फर्दर ट्रीट करना स्टार्ट करें, इधर सर्जिकली और नॉन सर्जिकली। नो एक्सक्यूज, एंटीबायोटिक को चॉइस हो सकती है। ठीक है, बुक में लिखी हुई है, कोशिश करें इसका रट्टा मार लें आप एग्जाम में, बुक से सवाल बनेगा तो आपका एग्जामिनर जो है वो एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे देगा। एंटीबायोटिक को चॉइस 1 ग्राम लोडिंग डोज ऑफ अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, और फिर 5 ग्राम निकला हम उसको TDS देंगे 3 डेज के लिए। ठीक है, रीवैल्यूएट आफ्टर 3 डेज। ठीक है, 1000 mg आपने उसको प्रोवाइड करनी है, लूटिन डोज फर्स्ट डोज रहेगी, उसके बाद उसको बोलेंगे कि 500 का जो कैप्सूल अवेलेबल है मार्केट के अंदर उनमें 3 दफा लें। ठीक है, ओवर द काउंटर आप पेन किलर प्रोवाइड कर सकते हैं उसको, यू कैन हैव नैपोक्सन सोडियम, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं उसको। द पेशेंट इज पेनिसिलिन एलर्जिक तो हम क्या कर सकते हैं, वी गिव द क्लिंडामाइसिन 600 mg लूटिन डोज और फिर 300 mg उसको हम QDO कंटिन्यू करेंगे, और अगर क्लिंडामाइसिन अवेलेबल नहीं है तो वी कैन गो फॉर एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो यूनिक चीज आपने दीवी के पेंसिलिन एलर्जी है, तो ऑब्वियसली तो पेंसिलिन एलर्जी के ऊपर आपका आएगा, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, वो चार्ट बना हुआ है कि इन जिस पेंसिलिन एलर्जी तो पेशेंट आया उसकी स्वेलिंग है, उसको कंप्लेन है, आप सब चीज़ें देख लिया, आप उसको एनेस्थीसिया लगा दिया, उसके पॉकेट ड्रेन कर दी, सब कर दिया, और आप उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करना चाह रहे हो, पेशेंट ने सडनली कहा कि भाई वो जो है वो पेंसिलिन एलर्जिक है। ठीक है, या वो बोलेगा कि पेशेंट ने मैंने एंटीबायोटिक खाई थी कुछ अर्से पहले, उसका नाम था ऑगमेंटिन, ठीक है, और उसमें रिएक्शन हो गया था, आई थिंक मैं उस ग्रुप से जो है वो एलर्जिक, तो उन्होंने पेंसिलिन की बजाय वहाँ पे ब्रांड का नेम दे दिया, यहाँ पे ऑगमेंटिन दे दिया। ठीक है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा कि भाई ये बेसिकली पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जिक है, तो क्वेश्चन पर नीचे आपको दो ऑप्शन है, यू हैव द क्लिंडामाइसिन एंड यू हैव द एजिथ्रोमाइसिन, और इसकी लोडिंग डोज और इसकी डोज ये याद हो आपको। ठीक
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक उसके अंदर आती है। ओके, इन केस आपको लगता है कि भाई स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और वहाँ हम पेरिनेटल पॉकेट से स्वेलिंग को ड्रेन या एब्सेस को ड्रेन नहीं कर सकते, देन वी हैव टू गो थ्रू इंसीजन एंड ड्रेनेज प्रोसीजर कि हम उसको इंसाइज करें और ड्रेन करें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जो साइट है जहाँ पर स्वेलिंग दी आपको उसके सराउंडिंग एरिया को आप इंसल्टेट करें और स्वेलिंग जहाँ पर है उसको ड्रेनेज सीधा लगा दें। कभी भी स्वेलिंग के अंदर हम लोकल इंफिल्ट्रेशन नहीं करते। ठीक है, अगर स्वेलिंग दिखी है फॉर एग्जाम्पल प्री मोलर कह रहा हूँ, तो आप हमेशा फर्स्ट मोलर और जो फर्स्ट प्री मोलर है वहाँ आप एनेस्थीसिया लगा लोकल, लेकिन जहाँ स्वेलिंग एक्चुअल है वहाँ पे कभी भी आप इंजेक्शन लगाते हैं। एक तो प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पे और पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, एक सडन एक्सक्रिशिएटिंग पेन होगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जहाँ पे आप उसको एनेस्थीसिया उस स्वेलिंग के अंदर ना लगाएं, सराउंडिंग में लगाते हैं। सिर्फ जो स्वेलिंग है उसके टॉपिकल एनेस्थीसिया लगाएं, तो आप ब्लेड से उसको कट ऑफ कर रहे हो, किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से उसको बर्स कर रहे हो, तो पेशेंट का पेन थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, सो यू अप्लाई द टॉपिकल ऑपरेशन एनेस्थीसिया, तो सर तीन नंबर से लेकर ब्लेड ले लें और उसको लेकर टिश्यू को कर दें मोस्ट फ्लेक्चेंट एरिया से, वहाँ प्लेट में एक साइज कर दें और कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट लेकर उसको अंदर से सॉफ्ट टिश्यू को अटैच करके वहाँ से पस को ड्रेन करना स्टार्ट करें और सराउंडिंग से उसको स्क्वीज करके साइट ऑफ इंस्टीजन है वहाँ लेके आते हैं, ताकि पस फ्री होना स्टार्ट हो। इरीगेशन ऑफ प्लस अच्छे से कॉपियस इरीगेशन उसको साफ करें, जो नेक्रोटिक बैक्टीरिया मौजूद है उसको सिल्फ क्लीन कर दें, डाल दें ताकि वो जगह हील हो सके। पोस्ट ऑप क्या होगा कि आपने ब्लीडिंग स्टॉप कर दी, सब प्रोसीज कर दी, पेशेंट को आपने फ्री कर दिया, तो उसको एडवाइस कर दें कि वार्म वाटर लाइन इंसिस करें। ठीक है, और आप उसको माउथ वॉश एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश क्लोरहेजिडीन बेस्ड माउथ वॉश प्रोवाइड करें, जिससे वो आपको इंसिस कंटिन्यू करें। ठीक है, एक्सर्शन वाली एक्टिविटी जो जॉगिंग एक्सरसाइज सब चीज को मना करते हैं, रिलैक्स रहे, आराम करें, फ्लूइड इनटेक ले, नॉर्मल चीजें फ्लूइड इनटेक से मतलब है कि सॉफ्ट करें, सख्त चीजें ना खाएं, एंडलेसली उसको अपने प्रोवाइड क्योंकि कोई जेल प्रोवाइड कर दें उसको वो लगाए, अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है तो पेनफुलर पे वायरेट करें, अदरवाइज 3 डेज के बाद कॉल करें उसको। ठीक, ये सब चीज़ें आपको पोस्ट ऑफ याद रखनी है। सो यू कैन सी ये पॉकेट है, ठीक है, पॉकेट के अंदर फिंगर से प्रेशर देके स्क्वीज करते हैं, नीचे अपेक्स से लेके जिंजिवा की तरफ आप स्क्वीज करते हैं ऊपर आएंगे तो पॉकेट से इस तरह पस ड्रेन हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अंदर चीज़ें करनी है आपने, डायरेक्ट पेशेंट आके बैठा के उसको स्टार्ट ना कर दें, वेरी पेनफुल। जिन लोगों के कभी एब्सेस हुई भी है ओरल कैविटी में, जो कि बॉडी के पार्ट पे हुई है कहीं लगी है, तो वहाँ पे वो परसीव कर सकते हैं कि बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। ऑन द अदर हैंड जो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएंट है, तो अब अवॉइड करें, वहाँ पे फिर ब्लेड से उसको कट ऑफ कर दें, कट करने के बाद स्वेलिंग को ड्रेन करें अच्छे से। तो इन केस एब्सेस बहुत ज़्यादा है या बहुत एक्यूट इन्फेक्शन है, तो कभी कभी होता है कि वहाँ पे एक ड्रेन पाइप लगा देते हैं। ठीक है, कि जब तक एंटीबायोटिक इफेक्टिव हो रही है, मेडिकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उससे जो पस बन रही है वो ड्रेन पाइप थ्रू ड्रेन होकर बाहर निकलती रहे। ठीक है, और एक गॉस पैक एक सर्कस में रख दें ताकि उस पस तक के अंदर आती रहेगी और उसको रिप्लेस कर दें। सो यू कैन सी एक तो है, फॉर एग्जाम्पल नो दिखाया गया अपर पैलेट है और इस साइड पे पैलेटल सरफेस ऑफ द फर्स्ट मोलर यू कैन फाइंड अ स्वेलिंग। ठीक है, आपको नजर आ गया यहाँ स्वेलिंग है, इसको ड्रेन करना है। तो रेड मार्क किया हुआ बेसिकली ये वो पॉइंट है जो मोस्ट फ्लेक्चुरल पॉइंट है जहाँ पे एब्सेस मौजूद है, तो यहाँ पे टॉपिकल एनेस्थीसिया लगाना है और बाकी ये राइट्स हैं आपकी, यहाँ पे आपने लोकल इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो वेजोकंस्ट्रक्शन करवा देगा और वो स्किन जो उसकी जो मिकल है उसको एनेस्थीसाइज कर देगा, ताकि जब आप ब्लेड से कट ऑफ करें तो इतना पेनफुल ना हो। ठीक है, गॉस वगैरह के उसको बाइक कर दें ताकि जो कोई एब्सेस ऊजिंग आउट हो रही है वो उसमें डिट जाए। क्रॉनिक एब्सेस की अगर हम बात करते हैं, क्रॉनिक एब्सेस बेसिकली स्केलिंग रूट प्लानिंग वगैरह करने से हो जाती है, क्योंकि स्वेलिंग ज़्यादा नहीं होती है, पर ज़्यादा नहीं होती है, एक्यूट कंडीशन नहीं होती। बट अगेन यू कैन सी द प्रोबन डेप्थ, हम चेक करते हैं कितनी सीवियरिटी इन्फेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर इन केस में सर्जरी रिक्वायर्ड हो तो हम फ्लैप रेस करके अंडर द एनेस्थीसिया स्केलिंग प्लानिंग और जो भी कॉज उसको रिमूव कर देते हैं।
नेवर एवर सिस्टम मैनेजमेंट ने किया, क्यों फेस ड्रेन आता है जो आप मुंह का क्रॉस कर रहे हैं, जो शेल फंसे हुए हैं चंक्स फंसे हैं उस पर रिपीट करें, वॉश करें, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करें, वो स्लाइन एनालिसिस करवा दें, ठीक है। तो इन केस अगर नीड हो तो कैलकुलस वहाँ पर चंक्स हैं सुपर इंडिवल कैलकुलस को रिमूव कर दें, तो ईजिली ठीक आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। पेरिक्लोनोलिसिस के अंदर वही पेशेंट की इरीगेट करें, अक्सर ये होता है इस तरह का आता है ना, तो उसको हम वॉश करते हैं, साइट होती है उसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से लाइन एड्रेस करके क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, ताकि जो भी प्लाक और जो चीज़ें फंसी हुई वहाँ पे निकल जाए, और विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड वहाँ पे फिर वो बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सलाइन एनालिसिस करने के बाद जो ऑपरक्यूलम में उसको हटा के क्लीन कर दें अच्छे से, और फिर जब वो एक्यूट फेज को रिजॉल्व हो गया फिर हम ऑफन इन टूथ को सर्जिकली रिमूव कर दें, या फिर उसका जो सॉफ्ट टिश्यू उसको रिमूव कर दें, ठीक है। पेट से कट ऑफ कर लें, जो हमें देख सकते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू लार्ज हुआ है उसको हटा दें, कट ऑफ कर दें, ठीक है। इस तरह का बहुत नाइसली एक्सपोज कर देंगे, तो हल्का फुल्का सा कट करेंगे एंड कम्प्लीटली एक्सपोज नहीं करेंगे टूथ को, तो इवेंचुअली वहाँ पे दोबारा फूड इंफेक्शन, फूड पार्टिकल, प्लाक, बैक्टीरिया डेवलप होगा और स्वेलिंग डेवलप होगी, और एपोक्लम रिकरेंस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी एब्सेस से रिलेटेड है, और जो एंटीबायोटिक की बात आती है कि सर्टेन कंडीशन है जहाँ पर आपको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन अक्यूट पेन हो पेशेंट को, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो आप एंटीबायोटिक प्रोवाइड करें कि आपको बहुत वायरलेंस बैक्टीरिया मौजूद है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मौजूद हो तब दे सकते हैं, पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फीवर हो गया है, डिफेडिनोपैथी नज़र आ रही है आपको, उसकी जो टॉन्सिल्स हो गई और उसकी जो नोड्स हैं वो इलाज हो गए हैं, ठीक है, इसका मतलब इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, और यू कैन सस्पेक्ट पेशेंट को सेलाइटिस हो रहा है, तो जब फर्दर जब इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो फिर वो सेलाइटिस की तरफ चला जाएगा, तो वहाँ पर बेसिकली अर्जेंट नीड है कि उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें। होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक एक्सरे देख रहा हूँ, कोई मुझे इसका जरा डिफाइन कर देगा क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सरे देख रहा है आपको, यू कैन सी देर इज अ वर्टिकल डिफेक्ट, ओके, ऑन द डिस रूट ऑफ द फर्स्ट मोलर एंड द रूट ऑफ द सेकेंड मोलर, ठीक है। तो इंटरडेंटल बोन लॉस नजर आ रही है आपको, ठीक है, एंड यू कैन सी द फर्केशन में बोन लॉस है आपकी, इंटरडेंटल बोन लॉस नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, अगर हम एसोसिएट करें इसको एब्सिस के साथ कि ये एक्सरे एब्सेस का, क्योंकि इस एक्सरे के अंदर तो कोई मैंने हिस्ट्री दी नहीं ना आपको, पेशेंट की हिस्ट्री को दी नहीं, तो आपको खाली एक्सरे देखा, हाँ तो वर्टिकल डिफेक्ट नजर आ रहा है, तो वर्टिकल डिफेक्ट यू कैन सी कि फर्केशन से इंटरनल बोन से एसोसिएट करता है। अब हम बात करते हैं कि एब्सेस, तो आप देखें कि जो आपका दांत है उसके ऊपर एक क्राउन लगा हुआ है, ठीक है, एक बहुत बड़ा क्राउन सा लगा हुआ है, रूट कैनाल नहीं हुई भी, बट यू कैन सी द अपेक्स, आप अपेक्स को और से देखें, आप रूट के अपेक्स के अराउंड आपको कोई इन्फेक्शन की बोन लॉस नजर नहीं आ रहा, ठीक है, रूट के अराउंड बिल्कुल जो रूट अपाइसिस हैं, जो उसकी मेसियल एंड डिस्टल रूट्स हैं उसके अपाइसिस आप चेक करें तो वहां पे कोई रिड्यूस नजर नहीं आ रही, कोई बोन लॉस नजर नहीं आ रहा, तो इस इंडिकेटिव ये आपकी लेटरल पेरिडोनशियल सरफेसिस के अंदर बोन लॉस हुआ हुआ है, तो ये आपकी पेरिडोनटल एब्सिस है, ठीक है, पेरिडोनटल एब्सिस का था, ठीक है, ये पेरिओडोन्टल एब्सिस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि पल्पल एब्सिस, तो पल्पल एब्सिस को हम पेरियोपाइकल एब्सिस कहते हैं, क्यों कहते हैं, कि उसके अंदर पेरियोपाइकल बेसिकली मोनस नजर आता है, पेरियोपाइकल एब्सिस डेवलप होती है वहां पर से कम्युनिटी या पेरियोपाइकल पे मोनस में स्टार्ट जाता है। इसी तरह जो पल्पल एब्सिस है सम टाइम वी से इज लैटरल पेरिडोनटल एब्सिस, अक्सर हम कहते हैं कि ये लैटरल पेरिडोनटल एब्सिस है, तो आपको रूट के सराउंडिंग्स में बोन लॉस नजर आएगा, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ पिक्चर ऑफ योर पेरिडोनटल एब्सिस, ठीक है, एंड यू कैन सी पेरिडोनटल पॉकेट टू, अगर आप यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू नजर आ रहा है लेकिन आप पॉकेट के अंदर प्रोटोकाइल के एक्सरे लेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन क्लियरली
find a pocket on the multiple sides. जो हमने डिस्कस किया था कि horizontal abscess का फीचर है, ठीक है? किसी को आप कोई इसमें आप रूट कैनाल नहीं हुई आप दांत की वाइटलिटी चेक करेंगे तो मोस्ट लाइकली द वाइटलिटी विल बी नॉर्मल. नाउ हियर कम द अदर पिक्चर. यहां देखें आप परसीव कर सकते हैं रूट होते हैं, रूट कैनाल हुई भी है, ठीक है? और रूट कैनाल के नीचे आपको हल्के हल्के एपेक्स के अराउंड व्हाइट व्हाइट से एक पैचेस दिख रहे हैं, उसके लिए वो आपका सीलर है. तो हम रूट कैनाल करते हैं और रूट कैनाल करने के बाद हम सीलर यूज करते हैं, जिमी डाल के सील करते हैं, उसको प्रेशर से फिल करते हैं, तो अक्सर जो सीलर होता है वो हल्का हल्का रूट के अपेक्स से बाहर आ जाता है, वो रिजॉल्व हो जाता है मसला, ठीक है? ठीक है, आप देख सकते हैं रूट्स के सराउंडिंग में लेटरली कोई बोन लॉस नहीं है. इंटरडेंटल बोन लॉस बिल्कुल ठीक है, फर्केशन एंड बोन लॉस नहीं है, ठीक है? बट यू कैन सी देयर इज ओनली बोन लॉस एसोसिएटेड विद द एपिसिस ऑफ द रूट, सो इट्स बेसिकली योर पल्पल एब्सेस और यू कैन से द पेरिपेराइकल एब्सेस, ठीक है? तो पेशेंट आपके पास आया, आपने क्लिनिकली उसको देखा, सारे फीचर देखे, पेट को वाइटल है नॉन वाइटल मिल रहा है आपको, ठीक है? आप टेंडर टू प्रोग्रेशन चेक करेंगे, आप स्वेलिंग चेक करेंगे कहाँ पर है, अगर इसका कोई साइनस ट्रैक बना हुआ होगा फॉर इंस्टेंस, अगर जो बक्कल सल्कस में एक साइनस ट्रैक बना हुआ है वहाँ पर जीपीएल के एक्सरे लेंगे तो वो जीपी पूरा ट्रेस आउट कर देगा स्वेलिंग एपेक्स आ रही है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये आपका पेरिपाइकल एब्सेस. इस तरह से आपको क्लिनिकल पिक्चर्स एक्सरे में स्पॉट्स में नजर आती है कि जहाँ पे सराउंडिंग ऑफ द पेरिडोनियम में बोन लॉस आ रही है, पेरिपाइकल एब्सेस, पेरिडोनियल एब्सेस है. And when you see the apex of the root, वहाँ पे bone loss नजर आ रही है आपको, तो ये आपका periapical या pulpal abscess है. Now, important thing, management क्या होगी? आप इस एक्सरे को छोड़ दें, आप ध्यान में एक्सरे हटा दें, आप ये सोचें कि पेशेंट आपके पास आया, स्वेलिंग है, ठीक है, और आपने डायग्नोज कर लिया उसको कि इसको periapical abscess है, मैनेजमेंट क्या करनी चाहिए? रीएंडो, ठीक है, ओके, नहीं इस एक्सरे को छोड़ दो, इस एक्सरे को छोड़ दो, एक नॉर्मल पेशेंट मैं हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब सूजन हो गई बहुत ज़्यादा, आपने चेक किया, आपने कहा डॉक्टर साहब आपको पेरिपाइकल एब्सेस है, पेरिपाइकल एब्सेस है, ठीक है, आप पेरिपाइकल एब्सेस दिख लीजिए तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, पेन तो रिलीव करेंगे, ट्रीटमेंट क्या स्टार्ट करेंगे? चलो मेरे अगर पेरिपाइकल एब्सेस फॉर एग्जाम्पल हो रही है और बहुत स्वेलिंग नहीं है, एक्सरे में देख लिया आपने, एक्सरे में देख लिया आपने, कहा साहब की आपकी स्वेलिंग हो रही है, अब ट्रीट कैसे करेंगे उसको? एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, और ठीक है, आप लोग घर आए और सर्च करें पेशेंट अगर आता है आपके पास तो पेरिपाइकल एब्सेस है तो एंटीबायोटिक्स दे दिए उसको, मेडिकेशन पेन किलर उसको दे दिया आपने, अगर स्वेलिंग तो बहुत है तो साइज कर दिया सबसे पहले. एग्जैक्टली अहमद, गुड अहमद ने रिस्पॉन्स किया कि हम रूट कहाँ ऐड करेंगे. जब भी पेरिपाइकल एब्सेस हुई है, जबकि पल्व इन्वॉल्व हो गई है, तो यहाँ पे आपको रूट कैनाल स्टार्ट कर दिया, ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बीसीक्यूज है. बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, बहुत सारे कंडीशन आपको मिलेंगी, बहुत सारे बीसीक्यूज आपको मिलेंगे जिसमें सारे सिम्टम लिखोगे, पेशेंट आया उसके लेटरल बोन लॉस दिख रही है, फना दिख रहा है, गाना दिख रहा है, व्हाटएवर लिखें, उसकी पेरिपाइकल या एंडोडोंटिक प्रॉब्लम है, पल्व इन्वॉल्वमेंट है, सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इट्स योर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको याद होना चाहिए, इंसिजन ड्रेनेज, इस टू क्या सिटी हुई भी नहीं है, मैं आपको यही बता रहा था, ये बेसिकली एक्सरे है, एक पोस्ट ऑप एक्सरे, ठीक है? पेशेंट आया था, कंप्लेन थी, उसकी रूट कैनाल अभी करी है,
सी मैं कह रहा था ना, आपको हल्के हल्के पैचेस दिख रहे हैं, बेसिकली सीलर अभी रूट कर्न उन्होंने फिल करी है, ठीक है ना, पेरिपिकल एब्सेस को ट्रीट करने की रूट कर्न करी है, तो ये है, ठीक है। चलो टाइम अप हो गया, हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। मोबाइल है।